नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा टॉपिक जो कि रोल ऑफ अ टीचर, रोल ऑफ अ टीचर यानी एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है। दोस्तों, शिक्षक की भूमिका के बारे में एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके नॉलेज इज पावर पार्ट 9 के रूप में आपके सामने उपस्थित होने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये मेरा बहुत सालों से मन कर रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊँ, ताकि कुछ लोग जो है हमारे समाज में या हमारे परिवार में या हमारे आसपास जो शिक्षक को बहुत साधारण समझने लगा है, हो सकता है इसका कारण खुद शिक्षक भी हो सकता है, क्योंकि आजकल शिक्षक तैयार करने की जो कॉलेजेस है, जिसको हम बीएड कॉलेज बोलते हैं, वो बहुत सारी उभर कर आ रही है, नई नई कॉलेजेस बनी हैं, तो स्वाभाविक रूप से शिक्षक का अवमूल्यन हो रहा है। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान की गरिमा, हिंदुस्तान की संस्कृति, हमारे पूर्वज अनुभव से मिला हुआ ज्ञान, हमारे संस्कार हमें ये कहता है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने बहुत सालों पहले हमें बताया है कि शिक्षक कभी भी साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। दोस्तों, आज एक शिक्षक की भूमिका के बारे में बहुत अच्छा टॉपिक लेके शिक्षकों का यानी हमारे गुरुजनों का, एक सच्चे टीचर का, सच्चे शिक्षक का महत्व पुरवार करने में आपके सामने आ रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ, शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहला उसका जो पॉइंट है, ये हम हमारी संस्कृति के अनुरूप, जैसे हम टीचर को गुरु भी बोलते हैं, तो इसके लिए संस्कृत में बहुत अच्छा एक श्लोक है जो आज मैं सारे गुरुजनों को समर्पित करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। ऐसे हमारे गुरु, ऐसे हमारे टीचर होते हैं। दोस्तों, टीचर के बारे में सबसे फर्स्ट पॉइंट इज दैट एक अच्छा शिक्षक उगते सूरज की तरह होता है, जो खाली और अंधेरे दिमागों को शिक्षा से, शिक्षा के प्रकाश से भरने के लिए हमारे जीवन में आता है। दोस्तों, एक अच्छे शिक्षक का प्रभाव कभी मिट नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी उसके बारे में बोले, लेकिन उसका प्रभाव कभी नहीं मिटने वाला, क्योंकि छोटे दिमागों को आकार देने के लिए बड़े दिल की जरूरत होती है, और बड़े दिल वाले वो ही हमारे गुरुजन, वो ही हमारे टीचर होते हैं। दोस्तों, हमने बहुत सालों पहले और बहुत साल पहले हमें जानने को मिला है कि कुछ लोग जो है वो दुनिया भी बदल सकते हैं, तो ऐसे होते हैं हमारे टीचर। तो इस टीचर के बारे में मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट लेके आपके सामने आया हूँ इस स्लाइड में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीचर, यानी कि टीचर का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, टीचर स्टैंड्स फॉर टी फॉर टैलेंटेड, ई फॉर एडुकेटेड, ए फॉर एडोरेबल, सी फॉर चार्मिंग, एच फॉर हेल्पफुल, ई फॉर एनकरेजिंग एंड आर फॉर रिस्पॉन्सिबल। तो ये सारी शिक्षक की प्रॉपर्टीज है, शिक्षक का जो लक्षण है यही सारे हैं। यानी कि हिंदी में बताऊं तो शिक्षक का मतलब है टी फॉर टैलेंटेड यानी प्रतिभाशाली, एडुकेटेड मीन्स शिक्षित, एडोरेबल मीन्स मनमोहक, चार्मिंग फॉर आकर्षक, हेल्पफुल यानी कि बहुत मददगार, एनकरेजिंग यानी कि प्रोत्साहित करना, और रिस्पॉन्सिबल यानी कि एक जिम्मेदार व्यक्ति, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे वो खुद के लिए हो, और चाहे वो अपने छात्रों के लिए हो।
शिक्षक हमेशा एक जिम्मेदार व्यक्तित्व हमारे सामने खड़ा होता है। दोस्तों, हाउ डू टीचर्स इंस्पायर अस, यानी कि ये सारे शिक्षक के लक्षण मैंने बताए, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि शिक्षक हमें इंस्पायर कैसे करते हैं, हमें कैसे प्रोत्साहित करते हैं। तो दोस्तों, जब कोई शिक्षक छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, तो वह छात्रों को अपनी कल्पना, बुद्धि और अपेक्षाओं का उपयोग करने के लिए चुनौती देता है। टीचर वही है, वे अपने छात्रों के साथ आपसी विश्वास और सम्मान का बंधन भी बनाते हैं। वे छात्रों को अपनी सीखने की यात्रा का हिस्सा बनने के लिए भी आमंत्रित करते हैं। यही है हमारे टीचर। दोस्तों, थोड़े साल पहले एक पिक्चर आई थी तारे जमीन पर, वो भी स्टूडेंट और टीचर के बारे में थी, जो कि आमिर खान की एक पिक्चर थी। एक बहुत छोटा सा लड़का है, छात्र है, उसको अपने कौशल्य के द्वारा उसने एक सच्चे शिक्षक की भूमिका कैसे निभाई है, वो उस पिक्चर में हमें बताया गया है। शिक्षार्थियों के ज्ञान, कौशल और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करें, यही है टीचर का एम। शिक्षक को विशेष रूप से पाठ योजनाओं और कक्षा गतिविधियों में शिक्षार्थी के सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्यों और अधिकारों और जिम्मेदारियों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। प्रत्येक छात्र को शामिल करें और सीखने के लक्ष्यों की प्राप्ति करने में उनकी सहायता करते हैं, यही है टीचर और टीचर का दे। दोस्तों, बियॉन्ड द सीन, ये जो हमें दिखने को मिल रहा है सीन, उसके बियॉन्ड द सीन, उसके आगे क्या है, उसके बाद भी क्या है। सो आई वुड लाइक टू शो यू द रोल ऑफ टीचर्स इन शेपिंग चिल्ड्रन एंड ग्लोबल लीडर्स। दोस्तों, छात्रों को कैसे आकार देता है एक शिक्षक, क्योंकि शिक्षक एक अंग्रेजी शब्द है, टीचर जिसको हम बोलते हैं, ये कोई संक्षिप्त शब्द नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति को निर्दिष्ट करता है जो आपको सिखाता है और आपको जीवन की वास्तविक समस्याओं का सामना करने में भी सक्षम बनाता है, यही है टीचर। दोस्तों, व्हाई अ टीचर इज इम्पोर्टेंट, हमारे जीवन में शिक्षक का महत्व क्यों है, क्यों इतना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसा एक व्यक्तित्व जो टीचर है, क्योंकि वे शिक्षा प्रदान और ज्ञान प्रदान करते हैं, यही तो एक बात है। लेकिन उसके बाद भी हमारे व्यक्तिगत जीवन और भविष्य के करियर दोनों में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें टीचर प्रदान करते हैं। समर्पित शिक्षकों के बिना समृद्धि और सफलता केवल आकांक्षात्मक आदर्श ही होते हैं। और लास्ट पॉइंट इज, शिक्षकों का कई लोगों की उपलब्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है सभी टीचर्स के लिए। दिस इज द टीचर। टीचर के बारे में ये स्लोगन, ये जो एक अच्छा सेंटेंस है, वो आपको मैं अवश्य बताना चाहूँगा। ए गुड एजुकेशन कैन चेंज एनीवन, यानी कि अच्छी शिक्षा कुछ भी बदल सकती है, लेकिन टीचर क्या कर सकता है? ए गुड टीचर कैन चेंज एवरीथिंग, कुछ भी बदल सकता है। परिस्थिति हो, अपना देश हो, अपने देश की इकोनॉमी हो, स्टूडेंट्स का फ्यूचर हो, उसका कैरियर हो, उसकी लाइफ हो, सब कुछ बदल सकता है। तो दोस्तों, यही है एक अच्छा टीचर। अ गुड एजुकेशन कैन चेंज एनीवन, बट अ गुड टीचर कैन चेंज एवरीथिंग। सो शिक्षक को कभी भी साधारण मत समझिए मेरे दोस्तों। शिक्षक का योगदान राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। और किस किस ने राष्ट्र के भविष्य का निर्माण किया है, वो सारे टीचर्स भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहा हूँ। शिक्षक छात्रों का दूसरा पेरेंट है, माता पिता होता है। दोस्तों, वह अपने छात्रों को सही और गलत के बीच का अंतर बताता है, यही है वो टीचर।
वे छात्रों को कड़ी मेहनत और सफलता के लिए ही प्रेरित करता है। कोई निस्वार्थ ये एक सेवा है दोस्तों, उसका कर्म ही बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं कि इसका कोई भी एक्सपेक्टेशन, बिना एक्सपेक्टेशन जो काम करता है छात्रों के लिए, अपने भविष्य, छात्रों के भविष्य के लिए, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, वही एक अच्छा और सच्चा शिक्षक होता है। वह छात्रों को धर्म के बजाय मानवता की और नैतिकता ही सिखाता है, मानवता की नैतिकता सिखाता है, यही है वो टीचर। दोस्तों ये जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, दीज आर द बेस्ट टीचर्स इन द वर्ल्ड, या हम कहें दुनिया के सबसे जाने माने, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छे, सबसे सुंदर शिक्षक गण थे, क्योंकि ये है डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जो हमारे भारत के एक महान शिक्षक थे। ये सी वॉज द फर्स्ट लेडी टीचर इन द 19th सेंचुरी इन इंडिया, भारत की सबसे पहली महिला शिक्षिका है ये, जिसका नाम है सावित्री बाई, महाराष्ट्र में रहती थी वो, और हिंदुस्तान की सबसे पहली महिला टीचर थी। आचार्य चाणक्य, सर आइजेक न्यूटन, रविंद्रनाथ टैगोर, वो भी भारत से थे, और ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन, और ये है एडम्स। सो दीज आर द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया, हम इसके इतिहास के बारे में पढ़ चुके हैं, और अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो ये सारे टीचर्स के इतिहास आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आपको टीचर्स की वैल्यू समझ में आए, क्योंकि हम शिक्षक को हर बार हर जगह बहुत साधारण समझते हैं। सो दोस्तों आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल द फ्रेंड्स, जो शिक्षक के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मास्टर मेरे ख्याल से डिक्शनरी में कोई ऐसा शब्द नहीं है, और गुजराती में मास्टर, 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 व्हाट डज इट मीन मास्टर, इतने हल्के शब्दों में उसका बोल रहा हूँ। नेल्सन मंडेला जैसे बहुत महान ऐसे एक लीडर, शांति के दूत, जो विश्व के जाने माने एक शांति दूत थे, शांति प्रिय नेता थे, उन्हों के ये शब्द हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं, और वही काम टीचर्स कैन डू दिस, शिक्षकों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा राष्ट्र निर्माण जो है छात्रों का निर्माण है, जो कल के अच्छे भविष्य, जो हमारे युवा धन है, उसके निर्माण का कार्य शिक्षक ही करते हैं। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मेरी ये नम्र विनंती है कि आप शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए, वो चाहे स्कूल में टीचर हो, प्राइमरी स्कूल में हो, या स्कूल में हो, या फिर कॉलेज के प्रोफेसर्स हो, सबके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, उसको टीचर बोलिए या शिक्षक बोलिए, लेकिन मास्टर शब्द का यूज़ मत कीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको ज़रूर ज़रूर बहुत बहुत लाइक करिए, शेयर करिए, आपके सभी दोस्तों को वो वीडियो शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता चले कि एक शिक्षक का, एक अच्छे शिक्षक का रोल क्या होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नॉलेज इज पावर में, फिर एक बार बहुत अच्छा टॉपिक लेके नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए।